क्या हमें मैक्स रिस्क पर डे फॉलो करना ही करना चाहिए? क्या हमें एक दिन में सिर्फ 2 ट्रेड्स या 3 ट्रेड्स लेने चाहिए? जो अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन ट्रेड करता होगा उसे ये पता होगा कि 2 ट्रेड्स तो मतलब एक ट्रेड तो ब्रेकआउट पे हो गया, दूसरा ट्रेड ब्रेकआउट फेलियर पे हो गया। तो इन 2 छोटे ट्रेड्स में हमारा क्या होने वाला है? प्राइस एक्शन ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूँ। इंडिकेटर्स तो चलिए खैर हो सकता है तो एक दिन में 1 या 2 या 3 मे बी 4 ट्रेड्स दे दें, लेकिन प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए एक ट्राइंगल का ब्रेकआउट भी एक ट्रेड रहता है, उस ट्राइंगल का ब्रेकआउट फेलियर भी एक ट्रेड रहता है। एक EMA पे अगर मार्केट ऊपर क्रॉस करके क्लोज कर रहा है तो भी एक ट्रेड रहता है, और अगर क्रॉस करने के बाद वापस से नीचे क्लोजिंग देते हैं तो एक ब्रेकआउट फेलियर का ट्रेड रहता है। तो एक प्राइस एक्शन ट्रेडर को क्या ये फॉलो करना कंपलसरी है कि एक दिन में सिर्फ 2 ट्रेड ले, या फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक दिन में सिर्फ 2 स्टॉप लॉस ले? क्या ये वाकई में ज़रूरी है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल चौरसिया, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज आइए बात करते हैं इस टॉपिक पे कि हमें बड़े बड़े ट्रेनर्स बड़े बड़े ट्रेडर्स सिखाते हैं कि दिन में 2 स्टॉप लॉस लो 3 स्टॉप लॉस लो, ठीक है, उससे ज़्यादा मत लो। और कुछ तो बहुत ज़्यादा बड़े ट्रेडर्स हैं, वो हमें सिखाते हैं कि दिन में सिर्फ 1 स्टॉप लॉस लेना। अरे भाई, 1 स्टॉप लॉस लेंगे तो हम सीखेंगे क्या? हम कमानो तो दो छोड़ दो, सीखेंगे क्या हम मार्केट से अगर हम 1 स्टॉप लॉस लेने लगे तो? तो वो हमें क्यों ये फालतू का काम क्यों देते हैं, मतलब कि 2 ही स्टॉप लॉस फॉलो करना है, 3 ही स्टॉप लॉस फॉलो करना है? जी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि इंसान अपने लॉसेस को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जिस दिन आपको 10,000 का लॉस होता है उससे कंपैरिजन में आपको जिस दिन 10,000 का प्रॉफिट हुआ रहता है आपके इमोशंस 2.5 गुना ज़्यादा रहते हैं। मतलब लॉसेस हमें साइकोलॉजिकली प्रॉफिट से 2.5 गुना ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो ये जो बड़े ट्रेडर्स हैं, हमें ये सिखाने के बजाय कि हमें अपना दिमाग कैसे कंट्रोल करना है, हमें बस एक छोटा सा रूल बता देते हैं कि हमें एक दिन में 2 स्टॉप लॉसेस ही फॉलो करने हैं। और जहाँ गलती से वो रूल ब्रेक होता है, क्योंकि हमारा दिमाग तो हमारे कंट्रोल में कभी था ही नहीं, हम तो हमेशा सिर्फ रूल्स फॉलो कर रहे थे ना, जहाँ बाई मिस्टेक बाई से फॉर एग्जाम्पल कि मार्केट अचानक से 200 पॉइंट गिर गया, हमारा वो 2 स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया, वहाँ हमारा दिमाग ख़राब होना तय है, वहाँ उस दिन वो दिन हमारा बर्बाद होना तय है, वहाँ से कई चीज़ें ख़राब होना तय हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग पर कंट्रोल नहीं है। तो हम कर क्या सकते हैं? मतलब दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम चलो स्टिक ही रहे कि नहीं मुझे 2 ही स्टॉप लॉस फॉलो करने हैं, या हम उससे ज़्यादा एक एडवांस चीज़ कर सकते हैं। अब एडवांस चीज़ क्या कर सकते हैं? हम कर कुछ ऐसा सकते हैं कि हम अपने दिमाग को इस लेवल पे ट्रेन कर लें कि हमें लॉस से फ़र्क पड़ना बंद हो जाए। मुझे ट्रस्ट मी, मुझे लॉसेस से मेरे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे क्योंकि सबसे पहली बात तो मैं अपने लॉसेस देखता ही नहीं, मेरी नज़र पूरी सिर्फ ऑर्डर बुक पे रहती है। और इफ़ इन केस मेरा कोई लॉस हो भी जाता है, लाइक 2-3 स्टॉप लॉसेस लाइन से हिट हो जाते हैं मॉर्निंग में, मार्केट अगर वोलेटाइल रहता है 2-3 स्टॉप लॉस हिट होना बहुत नॉर्मल है, तो मेरा जो भी ट्रेड रहता है वो 1:2 पे कटने लगता है। मतलब मैंने ये रूल बना लिया है कि अगर जहां मेरे लॉसेस थोड़े बड़े हुए हैं तो प्रॉफिट्स जैसे मुझे 1:2 मिलेंगे मुझे एग्जिट करना है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि इन जनरल इंसान का बड़ा लॉस जब भी होता है वो ट्रेड्स एग्जिट नहीं करता है, आपने खुद नोटिस किया होगा, राइट? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद अपनी जर्नल उठा के देखना, खुद बैठ के सोच के देखना कि जिस दिन मुझे बड़े लॉसेस हो गए हैं उस दिन मुझे प्रॉफिट्स हो भी रहे थे, बट क्योंकि हम स्टिल लॉसेस में थे मैंने वो प्रॉफिट्स बुक नहीं किए, मार्केट पूरा रिवर्स हो गया, मेरा प्रॉफिट भी खा गया और ट्रेड में स्टॉप लॉस भी हो गया। उस ट्रेड में भले हमें 1:2, 1:3, 1:4 तक मिलना था, बट क्योंकि हमारे लॉसेस रिकवर नहीं हुए थे हमने वो ट्रेड प्रॉफिट में एग्जिट किया नहीं। तो आप इन्हीं में से दो चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, या तो आप ये रूल फॉलो कर लीजिए कि हाँ मुझे 2 स्टॉप लॉसेस ही एक्सेप्ट करने हैं, या तो आपको अगर इससे ज़्यादा एडवांस चीज़ करनी है तो आप सिंपली ये कीजिए, अपने लॉसेस से आपको अपने आप पे लॉसेस को कंट्रोल देना बंद कर दीजिए। अब सर, बोल तो आपने दिया कि ठीक है लॉसेस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, बट कैसे? बहुत सिंपल सोल्यूशन है। पहले आप अपना PNL देखना छोड़ दीजिए, वो जो नंबर्स जब ऊपर नीचे लाल हरे नीले पीले होते रहते हैं ना, तो वो दिमाग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। और दूसरा, प्लीज़, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स कह रही हैं, जो आप तो ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ते होंगे ना, आप तो ये सुपर ट्रेडर वगैरह ये सब बुक पढ़ते होंगे, बट मैंने बहुत एडवांस लेवल की बुक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे पढ़ के रखी है। उसमें ये कहा जाता है, उन बुक्स में उन किताबों में ये कहा गया है कि आप वर्कआउट कीजिए और मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं तो आप अपने दिमाग को इतना स्ट्रेस खुद जान बुझ के दे रहे रहते हैं कि ट्रेडिंग में फिर आपको स्ट्रेस होना ही कम हो जाता है। सबसे बड़ा लॉजिक यही है। वर्कआउट करना ट्रेडिंग के साथ साथ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अपने आप को वर्कआउट करते टाइम इतना स्ट्रेस दे रहे रहते हैं कि ट्रेडिंग का स्ट्रेस हमें ऑटोमेटिकली कम लगने लगता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप आपको साइकोलॉजी के बारे में कुछ बहुत ही एडवांस चीज़ें सीखने को मिली होंगी, आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।